सोनीपत से हम बात करेंगे, जहां पर पुलिस कमिश्नर सतीश बालन की अनोखी पहल। पुलिस थाना प्रभारी और चौकी इंचार्ज लगाने के लिए उन्होंने ये पहल की है। पारदर्शिता के साथ थानेदार और चौकी प्रभारी लगाने के लिए परीक्षा देकर थानेदार और चौकी प्रभारी बनेंगे एसआई और इंस्पेक्टर। 187 पुलिस अधिकारियों ने इसका आवेदन किया है। डीसीपी निकिता खट्टर को परीक्षा लेने की जिम्मेदारी सौंपी है। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पुलिस थाना प्रभारी और चौकी इंचार्ज लगाने के लिए ये पहल उनकी ओर से की गई है। पारदर्शिता के साथ ये सारा काम होगा। परीक्षा देकर 187 पुलिस अधिकारियों ने इसके लिए आवेदन किया है। तो ये सोनीपत से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सतीश बालन की यह अनोखी पहल है। पुलिस थाना प्रभारी और चौकी इंचार्ज लगाने के लिए पहल उनकी ओर से की गई है। पारदर्शिता के साथ जो योग्य है उसे मौका दिया जाएगा, इसको लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। और 187 पुलिस अधिकारियों ने देखिए इसके लिए आवेदन भी किया। और पुलिस कमिश्नर सोनीपत से सतीश बालन जी इस समय खुद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सतीश बालन जी, सबसे पहले आपका स्वागत करती हूं, और वाकई एक अनोखी पहल आपकी ओर से की गई है, लेकिन इस पहल और इस कदम को उठाने के पीछे हम जानना चाहेंगे कि आपकी क्या प्लानिंग है या आपकी क्या सोच है। नमस्कार, ये सोच यही है कि इसमें ज्यादातर क्वेश्चन कानून में तो है ही है, लेकिन ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स, मैनेजमेंट स्किल्स और कम्युनिकेशन पे है। जो कमिश्नरेट है, यहाँ पे नए उम्मीदें हैं, स्टेटी डेवलप हो रहा है, सो लोगों की भी अपेक्षाएं अलग है, तो उसमें किस जी सतीश जी, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? हाँ जी, ये हमारे जी सतीश जी, हेलो, बिल्कुल सतीश जी बोलिए। आवाज आ रही जी? हाँ जी, हाँ जी। तो लोगों की अपेक्षाएं हैं नए जिन जगह में, उसके मुताबिक हमारे थानेदार कितने तैयार है उसको जांच कर। बिल्कुल सतीश बालन जी, हम समझ पा रहे हैं आपकी ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है। एक बार फिर से हम बातचीत के लिए संपर्क करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, और कमाल की पहल की गई है। जैसा कि उन्होंने बताया कि किस आधार पर उनकी सोच है और क्यों उन्होंने ये पहल की है, क्यों उन्होंने ये कदम उठाया है। परीक्षा देकर चौकी प्रभारी बनेंगे ऐसे ही और थानेदार, तो ये एक बड़ी पहल है। और देखिए, विश्वास भी लोग जता रहे हैं। 187 पुलिस अधिकारियों ने इसके लिए आवेदन भी किया है। पुलिस कमिश्नर सतीश बालन की एक अनोखी पहल जो इस समय समाज में चर्चा का विषय बना हुआ है और लगातार तारीफ की जा रही है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता नितिन अंतिल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, देखिए वाकई एक अनोखी पहल की गई है और मकसद बिल्कुल साफ है। कहा जाता है कि नीयत साफ हो तो जो कर्म करने की इच्छा है उसका फल भरपूर मिलता है, और कुछ ऐसा ही फिलहाल यहाँ पर नजर आ रहा है। जी बिल्कुल दीपिका, जिससे पहले मैं जानकारी दे रही, इससे पहले सोनीपत एसपी सतीश बालन रहे थे, तो उस दौरान भी उन्होंने ही परीक्षा ली थी। और जो चौकी प्रभारी हो या फिर इंस्पेक्टर थाना प्रभारी हो, जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, उनकी भी परीक्षा ली गई थी, उसी के बाद उनकी नियुक्ति की गई थी। और पहली बार सोनीपत कमिश्नरेट बना और कमिश्नर लगाए गए हैं, तो कुल 37 इंस्पेक्टर, 75 सब इंस्पेक्टर और 34 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जो परीक्षा में भाग ले रहे हैं, और इनकी काबिलियत के हिसाब से ही इन्हें जो चौकी इंचार्ज और थाना प्रभारी लगाया जाएगा। और परीक्षा की अगर बात कर ली जाए, परीक्षा में आईपीसी सीआरपीसी की धाराओं के साथ साथ पुलिस कर्मचारियों की मानसिकता के परखने के लिए भी एग्जाम लिया जा रहा है, किस तरह का व्यवहार जनता के साथ करेंगे या करते हैं। जी बिल्कुल नितिन जी, आपको रोकना चाहूंगी। सतीश बालन जी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और सर वाकई इस पहल के समय समाज में, सोशल मीडिया पर भी जमकर तारीफ हो रही है, और कहीं ना कहीं एक जो कॉम्पिटिशन की भावना है उसका एक सकारात्मक पहलू हमें यहाँ पर जरूर नजर आ रहा है। जी, ये बेसिकली इट्स नॉट फॉर कॉम्पिटिशन, ये सिर्फ हमारे, इसका मकसद ये है कि जो लोगों की अपेक्षाएं हैं कमिश्नरेट में, कुछ अलग होती है, अर्बनाइज्ड है, दिल्ली के नजदीक है, सो उस पे कानून तो सब जानते हैं, उस उन परीक्षाओं में पास होके ही हमारे पुलिस वाले सभी जिलों में आते हैं, उसमें कोई कमी नहीं रहती है, लेकिन उनकी मैनेजमेंट स्किल, कम्युनिकेशन स्किल और ऑर्गेनाइजेशन स्किल और सेंसिटिविटी टुवर्ड सर्टन इश्यूज, ये सब हम चेक करवाना चाहते हैं। वो जैसे ही इस टेस्ट खत्म होगा, वो कौन कहाँ पे हमारे हर थानेदार किस लेवल पे है वो पता चल जाएगा, सो उनके लेवल के मुताबिक उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, उनको नए
चुनौतियों के लिए तैयार किया जाएगा। जो काम में नए नए क्राइम आए हुए हैं, नए नए कानून आए हुए हैं, लोगों की नए अपेक्षाएं हैं, उसके मुताबिक उनको तैयार करने का एक बेस है ये परीक्षा। बिल्कुल सतीश बालन जी, बदलते वक्त की जरूरत भी इसको लेकर आपको ये महसूस हुई थी कि जो जिस तरीके से अभी आपने बताया कि नई नई चीजें आई हैं, इसको लेकर भी एक जानकारी और सक्षमता कितनी है इसकी जानकारी मिल पाएगी? जी बिल्कुल। और इससे समाज में क्या संदेश जाएगा सतीश बालन जी, क्योंकि एक सार्थक पहल आपकी ओर से की गई है और वाकई एक ऐसा संदेश भी यहाँ पर जरूर जाएगा कि जो योग्य है वो आगे है। लोगों को भी यही संदेश ये मिलेगा ना, पब्लिक को भी मिलेगा, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में ये जाएगा कि जो भी उनको पद मिलेगा उनके योग्यता के मुताबिक मिल रहा है, तो उनसे फिर उम्मीद भी, उनकी भी मनोबल बढ़ता है कई। बिल्कुल, तो ये एक पुलिस फोर्स जो है वो बहुत बड़ा फोर्स है, कम से कम एक जिले में 2-3 हजार लोग होते हैं, उसमें कुछ कई लोगों की टैलेंट होता है, अच्छे काम करने लायक होते हैं, लेकिन वो नोटिस नहीं होते हैं, जब उसके लिए कोई सिस्टम नहीं है उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए। मेरा ये है कि विश्वास ये है कि ये इस एग्जाम से वो नए जो अभी तक अननोटिस रहा है कोई अच्छा आदमी है वो भी नोटिस में आएगा, उसको भी मौका मिलेगा। बिल्कुल, वाकई एक ऐसी पहल आपने की है जिससे आम जनता का भी मनोबल इससे बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सतीश बालन जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने ये तमाम बातें यहाँ पर रखी। नितिन अंतिल भी हमारे साथ जुड़े थे, हमारे संवाददाता, आपका भी शुक्रिया। तो देखिए, एक अच्छी पहल यहाँ पर की गई है और योग्यता किस आधार पर जो यहाँ पर परीक्षा के साथ आगे बढ़ाई जा रही है उसको लेकर समाज में एक अलग तरीके से संदेश भी इस समय दिया जा रहा है। चौक इंचार्ज लगाने के लिए पहल की गई है ताकि जो इंसान योग्य है वो पीछे ना रह जाए और जो कभी अच्छा काम करता है और नोटिस नहीं हो पाता है उसका मनोबल ना टूटे, ये इस पहल के पीछे एक नियत, एक सोच यहां पर बताई गई।